श्रीकाल, मैं हरमन पुलार, देख रहे हो चढ़दी कला टाइम टीवी। लगातार पहाड़ी इलाकों जिथे घटनावां दा दौर चल रहा है, हादसों का दौर चल रहा है, इस कड़ी दे विच एक होर खबर आ जुड़ी है किन्नौर तो, जिथे कि एक पिकअप गड्डी है जड़ी वह सतलुज दे विच जा डिगी है। इस वक्त की यह सब तो मंदभागी खबर है। सतलुज दे विच जड़ी पिकअप गड्डी डिगी है, इस दे विच चार व्यक्ति सवार दसे जा रहे ने। दरअसल यह पुलिस दे वल्लों रेस्क्यू का जड़ा ऑपरेशन है वह लगातार चलाया जा रहा है, ताजो वध तो वध जड़ी जाना दा इस वक्त नुकसान होया है, पानी दे विच रुड़ चुकिया ने, उन्होंने बरामद किया जा सके। पर फिलहाल एक 73 साल बुजुर्ग है, उसकी तो जांच पड़ताल के दौरान शनाखत हुई है, पर जड़े तीन व्यक्ति सवार होर भी सी पिकअप गड्डी दे विच उन्हां दा कुछ भी अता पता नहीं लग्या। तो एक तरीके दे नाल कहा जा सकता है कि शायद पानी नाल रुड़ के वह बहुत दूर तक भी गए हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पुलिस दे वल्लों जानकारी सामने आई है कि वह लापता ही दसे जा रहे ने, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन नाल लगते इलाके के लोगों के नाल लगातार चलाया जा रहा है। पर फिलहाल सिर्फ एक व्यक्ति की शनाखत हुई है, बुजुर्ग औरत की। फिलहाल जो तीन व्यक्ति ने वह अजे भी लापता दसे जा रहे ने। जेकर हुण गल करिए जानकारी मुताबक जिहड़ी इह पिकअप गड्डी गिरदी है, घट्टो घट यह सतलुज दे विच 300 फुट थले जाके गिरदी है, ते मेन जिहड़ा कारण इसका निकल के सामने आया, पुलिस दे वल्लों इह दस्या जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तेज रफ्तार दे विच इह गड्डी आउंदी है, क्योंकि चश्मदीदां दे बयान इह सामने आए ने कि काफ़ी तेज़ रफ्तार दे विच पिकअप गड्डी जा रही हुंदी है, ते 300 फुट थले जाके गिरदी है, ते उस तो बाद सारे ही लापता फिलहाल दसे जा रहे सी। ते जदों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो सिर्फ ते सिर्फ एक बुजुर्ग की भाल की गई है, जो कि जख्मी हालत दे विच ने, जिन्होंने जिंदल हस्पताल विखे दाखिल करवा दिता गया है। तो उत्थे दे SHO ने यह जानकारी दी है किन्नौर दे के सब तो मेन गल तो यह है कि दरअसल जड़े इस वक्त कुल्लू का माहौल है, जो शिमला का माहौल है, उही सारिया जगह का माहौल है, हिमाचल दे विच इस वक्त किसी का भी आना जाना खतरे तो खाली नहीं दसिया जा रहा, क्योंकि लगातार वो पहाड़ी इलाकों दे विच जिथे मीह पै रहा उत्थे ही लैंडस्लाइड वर्गियां घटनावां भी सामने आ रही ने। जो कि बीते दिनों दे विच तुसीं इह भी वेख्या होगा, जड़ा मलाना डैम दीआं खौफनाक तस्वीर सामने आईआं सी, मलाना डैम ओवरफ्लो कर रहा सी, ते लगातार बदल फटन दे करके जिथे कुल्लू का यह माहौल सी, ते दूजे पासे बीते दिन ही शिमला दे विच भी कुछ अजिहियां तस्वीरां सामने आईआं जो कि नाल रोड़ के लै गईआं घरां नूं वी, विच ही जिहड़े बेजुबान पशु सी उह वी रुड़ गए। सो जिहड़ियां लैंडस्लाइड वर्गियां घटना वापर रहीआं ने, इक मिंट दे विच तुसीं घर वी ढह ढेरी हुंदा वेख्या होवेगा। सो लगातार यह घटनावां दा जिहड़ा दौर है रुकण दा नां नहीं लै रिहा, इस दीआं खौफनाक तस्वीरां रोजाना ही सामने आ रहीआं ने, जो कि चीख चीख के गवाही दे रही ने कि पहाड़ी इलाकों के जाना खतरे तो खाली नहीं है। सो ना जाया जाए, गुरेज किया जाए। सो बीते दिन तुसी कई गड्डिया भी अजिहियां देखिया होणगीआं जो कि पानी के रुड़ रही ने, ते कई तो इस तरीके दे नाल उत्थे स्टक हो चुकिया ने लैंडस्लाइड के करके, ना वो अगे जा सकदियां ना पिछे जा सकदियां। सो इस वक्त जिहड़ियां तस्वीरां ने वह बहुत ज़्यादा खौफनाक ने पहाड़ी इलाकों दीआं। लगातार प्रशासन के वलों जिथे रेस्क्यू ऑपरेशन चला के वध तो वध जाना बचाउण दी कोशिश की जा रही है, डैमां दे नाल लगदे इलाकियां नूं खाली करवाया जा रहा है। सो उत्थे जाना बिल्कुल भी सियाणप नहीं कही जा सकती। सो वापस आने उस घटना ते जिथे कि जिहड़ी सतलुज दे विच पिकअप गड्डी गिरी है, जिसका कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जिहड़े तीन व्यक्ति इस वक्त लापता दसे जा रहे ने, उन्हां नूं बचाउण दी प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है।